टाटा रांची मुख्य राज्य मार्ग NH 33 चांडिल टोल प्लाजा में किन्नर के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटनाओं को लेकर चांडिल थाना में जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ किन्नरों ने प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के काफिला को रास्ता बदलकर पार्टी के द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय सभा में पहुंचाया गया। बता दें कि छेड़खानी के विरोध में किन्नरों ने चांडिल थाना पर जमकर प्रदर्शन किया। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर चांडिल थाना क्षेत्र के पाटा स्थित टोल प्लाजा के पास किन्नर ने बाइक सवार दो युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। टोल प्लाजा में वाहन चालकों से पैसा लेने वाले किन्नर ने अपने अन्य साथियों को छेड़खानी की सूचना दी और देखते ही देखते बड़ी संख्या में किन्नर वहां एकत्रित हुए। इसके बाद छेड़खानी के विरोध में किन्नर चांडिल थाना पहुंचे और थाना गेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान NH 32 पर वाहनों का आवागमन भी रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे किन्नर छेड़खानी करने वाले युवकों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। डाकलो जे मैडम इधर आई है तो हम गए। तो बाबू क्या हो गया? तो बोला आपका नंबर किसी है? हमसे नंबर पर्सन नंबर किसको नहीं देंगे, तो आपको गुरु का नंबर दीजिए। तो आप बोला नहीं गुरु का नंबर नहीं देंगे, बोले खाना पीने के लिए थोड़ा पैसा दीजिए हम कुछ खाएंगे। बोले नहीं हम बाबू हम भीख मांग के खाते हो, कहे पैसा मांग रहे तो आप ही दीजिए 5-10 रुपया ऐसे बोला। तो नहीं तो आराम से जाओ ऐसे बोला। तो वो क्या किया जो बाइक चला था वो ना मेरा पाकर के मैंने स्टार्ट कर रहा था उसमें तो थप्पड़ दे रहा था। आपको इज्जत किया बाबू बोल के ऐसे क्यों किया जैसे हम बोले। तो उसके बाद हमें प्रशासन में एटाई चाहब हमें विचार चाहिए कि सब क्यों आओ कारण हमें बेइज्जत कर तरह हमें शास्ति चाहिए। चांडी टोल भी बैठा था, मांग रहा था ना 7 बजे मांगने आया है तो दो लड़का बाइक में आके उसके साथ उसको बुलाया है, उसको पैसा मांग रहा है उससे। ठीक है तो बोल रहा पैसा देने के लिए सुबह सुबह आया है, पैसा कहाँ से मिलेगा उसको ना। तो बोले मेरे पास पैसा नहीं। तो बोला तुम्हारा नंबर दो बोला है ना। तो बोले मेरा नंबर आपको क्यों देने जाएंगे है? तो बोले तुम्हारे गुरु का नंबर दो। तो गुरु का नंबर कहीं देने जाएगा ना। तो लड़का ना उसके बदतमीजी की उसके बेस्ट में हाथ लगा दिया, फंस के दबा दिया उसके बेस्ट ना। तो चांडी टोल में तो हमारे किन्नर इसको हाथ उठा दिया है और दोनों मिल और उसको दोनों मिल के उसको पटक पटक के नीचे गिर गिर के मारा है उसको। ठीक है तो वो मारपीट भी किया है, वो बचाने के लिए तो हाथ आती होता है थोड़ा सा ना। वो बचने के लिए किन्नर मार सकते थे लड़का को, हम लोग को हमने उतना हम लोग की ताकत लड़का फोटो खींच के रखा है। वो लोग का फोटो भी उसका गाड़ी का बाइक लेके आया था, बाइक का नंबर भी था, हमने पुलिस में जमा किया है। फिर हम लोग को सबको बुलाया है, हम लोग बुला के हम लोग चांदी फोन थाना में डायरेक्ट हम लोग के पर आ गया। हम लोग आके पुलिस मंडी बड़वा बुथा से बात कर रहा है, हम लोग बातचीत करके हम लोग FIR लिख के दिया है। FIR लिखने के बाद बोला कि तुम लोग बैठो हम लोग इसके पीड़े रहे हम लोग कांडा टोल में जा टोल तक हम जा रहे हैं हम लोग चांदी है। बापरे बाप हम लोग तो वहाँ पर जाके 1 घंटा बैठा है हम लोग वहाँ पर, कोई पता लापता नहीं हम लोग ऐसे भागा दिया है, कोई लापता नहीं कुछ नहीं। फिर हम लोग 1-2 घंटे के बाद एक पर आया, हम लोग बोले अभी नहीं है, बोले अभी कोई काम नहीं है, तुम लोग शाम भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, आज भी नहीं हो सकता है। लड़का कुछ पहचान है क्या, नाम पता आप लोग क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग इंसाफ चाहिए हम लोग को। देखो हम लोग पुलिस का पता है, हम लोग आया है लड़का का गाड़ी का नंबर 11-5BC-11596। पूरी बार बोलिए नंबर तो माँ बोली 5BC-11196। किन्नर अपना पेट पालने के लिए पाटा टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से सहयोग मांगते हैं। सोमवार की सुबह बाइक सवार दो युवक टोल प्लाजा पहुंचे जिनसे किन्नर ने सहयोग स्वरूप 10 रुपए की मांग की। बाइक सवार युवकों ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, फिलहाल नाश्ता के लिए वही उन्हें कुछ पैसे दे दे। युवकों ने टोल प्लाजा में मौजूद किन्नर का मोबाइल नंबर भी मांगा था, किन्नर ने मोबाइल नंबर देने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाइक सवार युवकों ने इसके साथ छेड़खानी की। चांडिल थाना पहुंची किन्नर की टोली ने बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चांडिल थाना की पुलिस द्वारा
किन्नर को काफी समझाने और बाइक सवार पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद किन्नर थाना परिसर से हटे। हम लोग को टाइम का मत परवाह कीजिए, आप जितना टाइम लगेगा आप कीजिए, हम लोग सुबह से रात तक यहीं पे रुकेंगे। तो सर बोला ठीक है, बोल के हम लोग यहाँ पे बिठाए, हम लोग एक घंटा यहाँ बैठे। तो बैठने के बाद में हम लोग को बोले कि आप लोग चले जाइए चंडिल टोल में। तो हम लोग सब चल गए चंडिल टोल में। जब चंडिल टोल में वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कोई नहीं गया, कोई गाड़ी नहीं गया। हम लोग एक घंटा वहाँ रुके, रुकने के बाद में हम लोग देख रहे हैं इसका हाल और भी बिगड़ जा रहा है। तब हम लोग वहाँ से फिर हम लोग थाने में आए, तब तक देख रहे हैं सब अपने अपने जगह पे है, कोई कहाँ किसी के कार्रवाई के लिए नहीं गए हैं। जब यहाँ पे हम लोग बोले कि अब तक जब प्यार से आपको नहीं, आप लोग ऐसा कुछ किए नहीं, प्यार से बाबू भैया करके आप लोग बोले कि आप लोग हम लोग को सेवा के लिए है, आप लोग कुछ तक नहीं किए हैं। तब हम लोग जाके रोड में उतरे, हम लोग रोड में हंगामा किए, जो भी अभी कांड किए हम लोग रोड में करने के बाद में यहाँ से वहाँ से थाने में पुलिस आया, बड़ा बाबू आया, अभी बोल रहा है तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं। जब इतना देर सुबह से आए थे तब तक कोई कार्रवाई नहीं किया था, अब जब हम लोग हंगामा करने स्टार्ट किए तब कार्रवाई स्टार्ट किया, इधर से उधर रोड जाम हो गया। तो सब बड़ा बाबू यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में आप बोल रहे हैं ठीक है हम लोग उठा के ला रहे हैं लड़का को, तुम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा होके एक जगह पे शांत हो जाओ। हम लोग शांत हो गए, बैठ गए हैं। अभी बोल लड़का को यहाँ पे जब तक नहीं उठाएंगे हम लोग खाना कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाएंगे। वो लड़का को यहाँ पे उठा के लाएगा। वो लड़का क्यों इसके ऊपर में ऐसा किया है, किस लिए किया है, इसका जवाब हम लोगों को चाहिए। हम लोग माँ का पेट से नहीं जन्म लेते, हम लोग आसमान से आते हैं, हम लोग भी तो यही हिस्सा है, इसी समाज का हिस्सा है। तो हम लोगों क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से कुत्ता के तरह भगा दे रहा है, वो वहाँ से वो कुत्ता के भगा, हम लोग कुत्ता है, हम लोग इंसान नहीं है, तुम लोग